Hi friends, welcome to our channel. I am Sripad Naik and you are watching Electrical Academy. Today we are going to discuss what is conductor, turn, coil, coil side and winding. So, before going to learn the alternator in details, we are going to know the basic terms, that is conductor, turn, coil, coil side and winding. ये सारे basic terms आपको पता होना चाहिए. अगर आपको एक coil दी, तो coil में conductor कौन से है? फिर कॉइल साइड कौन सी है, टर्न टर्न एक कॉइल में कितने टर्न होते हैं, या तो फिर मल्टी टर्न कॉइल में टर्न कैसे आइडेंटिफाई करते, ये सब कुछ आपको मालूम होना चाहिए सिंक्रोनस जनरेटर और अल्टरनेटर सीखने से पहले. ठीक है, इसीलिए हम ये पहले सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको सारे टर्म्स. तो देखो ये सारे जो टर्म्स है, कंडक्टर, टर्न, कॉइल, कॉइल साइड एंड वाइंडिंग, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेशंस भी पूछे जा सकते हैं, बराबर है. तो डेफिनेशन अगर पूछे गए, या तो फिर आपको पूछा गया कि एक कॉइल दी गई और उसमें से आइडेंटिफाई करो, तो वो आपको ईजिली आइडेंटिफाई आपको करने चाहिए. अगर इंडस्ट्री में डिजाइनिंग के समय आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टर कैसा फॉर्म होता है, एंड कनेक्शन कैसे फॉर्म होते हैं, टर्न कैसी फॉर्म होती है, इसलिए सब कुछ बेसिक मैं इस वीडियो में आपका अभी क्लियर कर रहा हूँ. तो सबसे पहले मैं कुछ लिख देने से पहले आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये कंडक्टर, ये जो फिगर है, ये कॉइल की फिगर मैंने आपको दी है, इस कॉइल के फिगर में कंडक्टर आपको आइडेंटिफाई करना है. तो कंडक्टर कौन कौन से, ये एक पूरी कॉइल है, ये कॉइल का स्टार्टिंग एंड है और ये कॉइल का फिनिशिंग एंड है, मतलब ये पूरी एक वन कॉइल है. तो कॉइल ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, थीके? तो कॉइल का ये स्टार्टिंग एंड और ये फिनिशिंग एंड, और उसमें हर एक कॉइल में दो कंडक्टर रहते हैं, हर एक कॉइल में दो कंडक्टर. तो यहाँ ये एक कंडक्टर है डब्ल्यू एक्स और ये एक कंडक्टर है वाई जेड. तो ये क्या है, कंडक्टर, कंडक्टर डब्ल्यू एक्स और दूसरा वाला जो कंडक्टर है ये है वाई जेड. तो ये दोनों कंडक्टर है, तो एक कॉइल में दो कंडक्टर है यहाँ डब्ल्यू एक्स एंड वाई जेड. तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि ईच सिंगल टर्न कॉइल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स. एक कॉइल में दो कंडक्टर्स होते हैं, एक सिंगल टर्न कॉइल अगर है तो इसमें दो कंडक्टर्स रहते हैं, ठीक है. सो कंडक्टर वाई जेड इज वन ऑफ द कंडक्टर इन दिस कॉइल एंड डब्ल्यू एक्स इज वन ऑफ द कंडक्टर. सो ईच सिंगल टर्न कॉइल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स. अभी डिस्कस करते एंड कनेक्शन के बारे में. तो देखो एंड कनेक्शन यहाँ कौन सा है, दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करने वाला होता है एंड कनेक्शन, मतलब ये एक कंडक्टर है और ये एक कंडक्टर है, दोनों को आपने ज्वाइन किया टू फॉर्म ए कॉइल. तो कॉइल फॉर्म करने के लिए दो कंडक्टर्स की ज्वाइनिंग होता है एंड कनेक्शन, मतलब ये पूरा का पूरा जो है दिस इज अवर एंड कनेक्शन, ठीक है, एंड कनेक्शन मतलब कंडक्टर्स का एक एंड और दूसरे कंडक्टर का एक एंड, दोनों एंड ज्वाइन करने हैं, तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका एंड कनेक्शन. तो एंड कनेक्शन यहां कौन सा है, सो इट इज वी डब्ल्यू एंड वी जेड, दिस इज एंड कनेक्शन, ठीक है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभी एंड कनेक्शन समझ में आ गए होंगे, दो कंडक्टर को ज्वाइन करने वाली एक वायर मींस एंड कनेक्शन, ठीक है. तो एंड कनेक्शन कहां रहते हैं, स्लॉट्स में रहते हैं. अगर स्लॉट्स में आपके दो कंडक्टर से दो कंडक्टर्स को ज्वाइन करके, ज्वाइन करने वाली जो वायर है, मतलब ज्वाइन करने वाला जो कंडक्टर है, मतलब दो कंडक्टर को एज अ ज्वाइनिंग फॉर्म करने वाला जो एंड कनेक्शन है वो स्लॉट्स में रहता है, ठीक है, स्लॉट. तो किसी स्लॉट में ये एंड कनेक्शन रहता है, या तो फिर अगर आपके पास दो पोल से, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, फोर पोल से, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर कोई स्लॉट नहीं है तो दोनों स्लॉट के बीच में ये एक एंड कनेक्शन आएगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग अगर आपकी होगी तो दोनों स्लॉट के बीच में ये एंड कनेक्शन फॉर्म होगा. कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग में अगले वाले एपिसोड में डिटेल में लेने वाला हूँ, आप वहाँ वो आपके कंसेप्ट और क्लियर हो जाएंगे. तो दो कंडक्टर्स को एक ज्वाइनिंग फॉर्म करने वाला होता है एंड कनेक्शन. अभी देखो कॉइल साइड क्या है, ये पूरी की पूरी आपकी एक कॉइल है, इसका ये स्टार्टिंग एंड है और इसका ये फिनिशिंग एंड है, एक कॉइल है, ये पूरी एक ही कॉइल है, ठीक है. तो कॉइल के हर एक कॉइल में दो साइड्स रहती है, दो कॉइल साइड्स, ठीक है.
मतलब हर एक कॉइल में दो कंडक्टर्स रहते हैं और दो कंडक्टर्स ज्वाइन किए होते हैं और फिर कॉइल फॉर्म होती है, ये मैंने आपको अभी बताया है, ठीक है। तो दो कंडक्टर्स की ज्वाइनिंग अगर ये कॉइल साइड है और ये कॉइल साइड एक कॉइल फॉर्म करने के लिए होती है, तो ये पूरी की पूरी ऐसी ये कॉइल साइड है और ये पूरी की पूरी ऐसी कॉइल साइड है। मतलब एंड कनेक्शन जब ज्वाइन होगा, मतलब दो कंडक्टर्स को अगर एंड कनेक्शन ज्वाइन करता है तो ये एक कॉइल बनाता है और हर एक कॉइल में दो साइड्स रहते, तो ये पूरी की पूरी, मतलब अगर मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो ये जो पार्ट है ये एक कॉइल साइड हुई और ये पूरा कॉट, ये पूरा पार्ट ये एक कॉइल साइड हुई। तो कॉइल साइड यहाँ कौन कौन सी है, हियर वी डब्ल्यू एक्स और एस स्टार्टिंग एंड, एंड यहाँ से वी जेड वाई और एफ, ठीक है, वी जेड वाई एफ। तो यहाँ दो कॉइल साइड से हर एक कॉइल में, हर एक सिंगल टर्न कॉइल में दो कॉइल साइड्स रहती है, ये कंक्लूजन आपको अभी मिल गया। सो ईच सिंगल टर्न कॉइल हैज टू कॉइल साइड्स, दिस इज अवर नेक्स्ट कंक्लूजन, ठीक है। अभी देखो ये टर्न क्या है, तो टर्न मीन्स ये पूरी की पूरी जो कंप्लीट डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, कंप्लीट डायग्राम, ये पूरी एक टर्न है, सिंगल टर्न, ठीक है। मतलब ये एक सिंगल टर्न कॉइल है, तो एक पूरी की पूरी ये टर्न बनी, सिंगल टर्न, मतलब ईच टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, मतलब ईच सिंगल टर्न कॉइल कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। तो एक पूरी सिंगल टर्न कॉइल इट फॉर्म्स एज अ टर्न, मतलब एक टर्न ये बना। और अगर इस फिनिशिंग एंड को मैंने अगला वाला कॉइल का स्टार्टिंग एंड कनेक्ट किया ऐसा, और फिर एक कॉइल बनाई, फिर एक कॉइल बनाई, ऐसी कॉइल बना के सारी कॉइल अगर मैंने सीरीज में कनेक्ट की, तो वो मल्टी टर्न कॉइल होगी और वहाँ नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। और वो नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैंने फिर से कनेक्ट किए सीरीज में, तो इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग। तो हम ये आगे देखने ही वाले, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट डायग्राम है ये एक पूरी सिंगल टर्न है, ठीक है। तो देखो अभी हमने डिस्कस किया सिंगल टर्न कॉइल के बारे में, तो ये सिंगल टर्न कॉइल होती है, स्टार्टिंग एंड और फिनिशिंग एंड होता है उसे। तो नंबर ऑफ सिंगल टर्न कॉइन्स व्हेन जॉइन टुगेदर देन इट फॉर्म्स अ मल्टी टर्न कॉइल। तो ये एक मल्टी टर्न कॉइल हुई। देखो नंबर ऑफ सिंगल टर्न कॉइल्स जब जॉइन होते हैं एक दूसरे से, तो ऐसी एक मल्टी टर्न कॉइल बनती है। तो स्टार्टिंग एंड और एक फिनिशिंग एंड उसे रहता है एज लाइक ए सिंगल टर्न कॉइल। और जो वाइंडिंग होती है, तो नंबर ऑफ मल्टी टर्न कॉइल्स जब जॉइन होते, या तो फिर नंबर ऑफ सिंगल टर्न कॉइल्स जब जॉइन होते उसके स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड, फिर स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग एंड, तो नंबर ऑफ कॉइल्स व्हेन कनेक्टेड टुगेदर इट फॉर्म्स अ मल्टी टर्न कॉइल्स, नंबर ऑफ सिंगल टर्न कॉइल्स इफ कनेक्टेड टुगेदर इट फॉर्म्स मल्टी टर्न कॉइल, एंड इफ नंबर ऑफ मल्टी टर्न कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर विद देयर स्टार्टिंग एंड एंड विद देयर फिनिश मीन्स फिनिशिंग एंड ऑफ फर्स्ट कॉइल इज कनेक्टेड टू स्टार्टिंग एंड ऑफ अनदर कॉइल देन इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग। तो ये है सिंगल टर्न कॉइल, ये है मल्टी टर्न कॉइल, और ये नंबर ऑफ कॉइल्स का कनेक्शन इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग, मीन्स देर आर एन नंबर ऑफ कॉइल्स। तो ये स्टार्टिंग एंड S1 है, यहाँ से आपकी कॉइल स्टार्ट हुई है। तो पहली वाली मल्टी टर्न कॉइल का फिनिशिंग एंड है F1, जो दूसरे वाले मल्टी टर्न कॉइल के स्टार्टिंग एंड को कनेक्ट है F1 S2, ऐसे दोनों कनेक्ट हुए, और दूसरे वाले का फिनिशिंग एंड जो F2 है वो तीसरे वाले को फिर अटैच रहेगा आगे, आगे जगह नहीं है इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किया। लेकिन यहाँ एन नंबर ऑफ कॉइल्स रहेंगे जो जॉइन हो गए, तो ये मल्टी टर्न कॉइल, नंबर ऑफ मल्टी टर्न कॉइल्स इफ कनेक्टेड टुगेदर, या तो फिर नंबर ऑफ सिंगल टर्न कॉइल्स देर आर एन नंबर ऑफ कॉइल्स कनेक्टेड टुगेदर देन इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग, इतना आप ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है सिंगल टर्न कॉइल, मल्टी टर्न कॉइल और वाइंडिंग की। तो इसी कंसेप्ट से हमें कंडक्टर के बारे में कुछ लिखना है। तो देखो कंडक्टर क्या है, तो देखो कंडक्टर हर एक कॉइल में, मतलब सिंगल टर्न कॉइल, मल्टी टर्न कॉइल, वाइंडिंग, सबके फॉर्म में कंडक्टर है। एक कॉइल में दो कंडक्टर रहते हैं, मैंने आपको बताया था ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर कंडक्टर ये सारे कंडक्टर्स है, ठीक है, कॉइल्स में। तो कंडक्टर के बारे में अभी हमें लिखना है। तो देखो ये 3 पॉइंट्स है कंडक्टर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है इट इज अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग। तो देखो वाइंडिंग में कंडक्टर है, तो वाइंडिंग का पार्ट है कंडक्टर, इट इज अ पार्ट ऑफ वाइंडिंग।
और सेकंड है कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लॉट्स। तो देखो अगर मैंने डिस्कस किया नंबर ऑफ पोल्स रहते तो हम डिस्कस करते कि देर आर फोर नंबर ऑफ पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ऐसे फोर पोल्स है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स में नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स अगर दो है तो यहाँ भी दो दो दो, तो स्लॉट्स पर पोल दो दो है यहाँ, ठीक है। तो अगर दो दो स्लॉट्स है हर एक पोल में तो कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लॉट्स, तो ये आर्मेचर स्लॉट्स में आपके कंडक्टर्स प्लेस किए होंगे हर एक पोल के बीच में। मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में अगर दो कंडक्टर्स है तो यहाँ भी दो कंडक्टर, यहाँ भी दो और यहाँ भी दो। और अगर नॉर्थ और साउथ पोल में बीच में कोई स्लॉट्स नहीं है, मतलब यहाँ कोई स्लॉट्स नहीं है, मतलब देखो अगर मैंने ड्रॉ किया नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और बीच में कोई स्लॉट्स नहीं है, तो आपकी सिंगल टन कॉइल अगर आपको वहाँ प्लेस करनी है तो आप यहाँ से प्लेस करेंगे, प्लेस करना शुरू करेंगे, बीच में कंडक्टर आएगा, फिर ये एंड कनेक्शन, फिर ये एंड कनेक्शन, ये ऐसा बीच में कंडक्टर आएगा, फिर ये एंड कनेक्शन, फिर ये एंड कनेक्शन, बीच में कंडक्टर, ऐसा फॉर्म होगा। फिर मतलब आपको कंसेप्ट अभी समझ में आ गई होगी मुझे क्या करना है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक ही एंड कनेक्शन आएगा अगर सिंगल टन कॉइल है। तो मल्टी टन कॉइल अगर आपने प्लेस की और स्लॉट्स आपके पास नहीं है, मतलब आर्मेचर स्लॉट्स नहीं है, सिर्फ नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में एक ही जगह है जहां आपको ये प्लेस करना है, मतलब एंड कनेक्शन, तो एक ही जगह पर ऐसे एंड कनेक्शन आएंगे, वहां नंबर ऑफ एंड कनेक्शन ज्वाइन किए होंगे मल्टी टन कॉइल के, ठीक है, एक ही पार्ट में। और अगर स्लॉट्स हो गए तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उसी स्लॉट्स में वो मल्टी टन के एंड कनेक्शन ज्वाइन किए होंगे। सो कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन आर्मेचर स्लॉट्स एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग EMF। EMF इंड्यूस करने के लिए ये कंडक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी सेकंड डेफिनेशन है टर्न के बारे में। टर्न क्या है? तो टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कनेक्टेड टू वन एंड बाय एन एंड कनेक्शन। तो मैंने आपको बताया था पहले, हमने टर्न के बारे में लिखा ही है, दो कंडक्टर जब ज्वाइन होते हैं तो एक कॉइल फॉर्म होती है, मतलब एक टर्न फॉर्म होता है। मतलब दो कंडक्टर्स अगर ज्वाइन होते हैं बाय एन एंड कनेक्शन सो इट फॉर्म्स अ सिंगल टर्न कॉइल, तो एक सिंगल टर्न यहाँ फॉर्म होता है, ठीक है। तो हर एक टर्न में दो कंडक्टर्स रहते। तो अगर मल्टी टर्न कॉइल की बात करेंगे तो देयर आर मेनी नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो ये एक टर्न बना, फिर एक टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स मल्टी टर्न्स कॉइल्स में आपको दिखाई दे रहे, और वाइंडिंग में भी बहुत सारे टर्न्स दिखाई देंगे। सो टर्न कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स कनेक्टेड टू वन एंड बाय एन एंड कनेक्शन, मतलब दो कंडक्टर जब ज्वाइन होंगे तो एक टर्न फॉर्म होगी, ऐसा इसका मीनिंग है, ठीक है। और कॉइल के बारे में अगर हम बात करें तो कॉइल भी टर्न के हिसाब से ही होगी। मतलब सिंगल टर्न कॉइल की अगर बात करें तो दो कंडक्टर्स किसी एंड कनेक्शन से ज्वाइन है तो वो होगी सिंगल टर्न कॉइल। लेकिन मल्टी टर्न कॉइल के बारे में अभी लिखते हैं। सो मल्टी टर्न कॉइल इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल टर्न्स इन सीरीज। तो बहुत सारे टर्न्स ऐसे, मतलब दो कंडक्टर्स का एक टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किए ऐसे, तो ये इट फॉर्म्स अ मल्टी टर्न कॉइल, ठीक है। और वाइंडिंग के बारे में भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वाइंडिंग इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग सेवरल कॉइल्स इन सीरीज। मतलब अगर ये एक पूरी कॉइल बनी है नंबर ऑफ टर्न्स मिला के, तो ये कॉइल दूसरे कॉइल से कनेक्ट होगी, और ऐसे नंबर ऑफ कॉइल जब कनेक्ट रहेंगे देन इट फॉर्म्स अ वाइंडिंग, ऐसा मीनिंग है इसका। मतलब अगर बहुत ही सिंपल मैंने वे में आपको बताया तो वो कैसे सिंपल वे में कैसे आएगा, कॉइल कैसे डिसाइड करेंगे वो सिंगल टर्न है या मल्टी टर्न। अगर वन टर्न है, मतलब एक ही टर्न आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंगल टर्न कॉइल, और अगर मोर देन वन टर्न, ऐसे बहुत सारे टर्न्स आपको दिखाई दे रहे हैं मोर देन वन टर्न, सो देन इट इज मल्टी टर्न कॉइल, ठीक है। और एक बात हमें पता है, सिंगल टर्न कॉइल में दो कंडक्टर्स रहते, तो अगर मल्टी टर्न कॉइल अगर हमने यहाँ कहा तो ये मल्टी टर्न कॉइल में कितने कंडक्टर्स रहेंगे, 2T, क्योंकि एक टर्न में दो कंडक्टर्स है, तो जितने भी टर्न्स है तो उसे मल्टीप्लाई बाय 2 अगर हमने किया मल्टी टर्न कॉइल में, तो हमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स मालूम पड़ेंगे मल्टी टर्न कॉइल के। सो इन मल्टी टर्न कॉइल देर आर 2T कंडक्टर्स, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में रखनी है कि ऑल द कॉइल साइड शुड बी इन वन स्लॉट टू फॉर्म अ मल्टी टर्न कॉइल। मतलब एक ही स्लॉट में कॉइल साइड्स होने चाहिए। फिर मतलब मेरा कहना है कि अगर आपको मल्टी टर्न कॉइल किसी को बताना है कि ये कॉइल मल्टी टर्न है और यहाँ आपको एक स्लॉट दिया है, मतलब एक स्लॉट है और दूसरा स्लॉट आपका यह है,
तो अगर आपने ऐसी वाइंडिंग की, मतलब देखो ये आपके एंड कनेक्शन हुए, ये ऐसा कंडक्टर है, ठीक है, ये एंड कनेक्शन। तो यहाँ से अगर दूसरी कॉइल ली, मतलब देखो ये एंड कनेक्शन हुआ ना आपका, तो ये कंप्लीट होता है। यहाँ से दूसरी कॉइल अगर मैंने ली, मतलब यहाँ तक आपकी पहली वाली कॉइल थी, यहाँ से स्टार्ट हुई और पहली वाली कॉइल यहाँ फिनिश हुई, यहाँ से दूसरी वाली कॉइल ली, तो दूसरी वाली कॉइल का जो एंड कनेक्शन है, तो ये एंड कनेक्शन भी इसी स्लॉट में आना चाहिए। फिर तीसरी वाली कॉइल ली, तो उसका भी एंड कनेक्शन इसी स्लॉट में आना चाहिए। और फिर ऐसे नंबर ऑफ कॉइल्स एक ही कॉइल साइड में जब आएंगे और कनेक्ट होके बाहर फिनिशिंग एंड आएगा और ये स्टार्टिंग एंड रहेगा, तो ये एक मल्टी टर्न कॉइल हम बता सकते। और अगर आपने कंसिडर किया आपके पास दो ये आर्मेचर स्लॉट से और यहाँ से आपकी ये वाइंड कॉइल स्टार्ट हुई, तो ये कॉइल का एंड कनेक्शन ऐसा आ गया, ठीक है, ये आ गया, और फिर यहाँ से फिर ऐसा, फिर ये एंड कनेक्शन इस स्लॉट में चला गया और ये कंप्लीट हुआ। तो ये एक सिंगल टर्न कॉइल जैसा ही एक्ट करेगी। तो मल्टी टर्न कॉइल आपको किसी कॉइल को बताना है तो आप कैसे बताएंगे, ऑल द कॉइल साइड शुड बी इन वन स्लॉट, ये सारे कॉइल स्लाइड जो है उसके ये एक ही स्लॉट में आई है तो ही ये मल्टी टर्न कॉइल है, एक ही स्लॉट में वो होने चाहिए। मतलब कॉन्सेंट्रेटेड टाइप ऑफ वाइंडिंग जब हम कंसिडर करेंगे तब आपकी ये सारी कंसेप्ट और डिटेल में क्लियर होगी। मैं आपको अगले वाले एपिसोड में वो बताने ही वाला हूँ, ठीक है। तो रुकते यहाँ, आज हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देखे, कॉइल क्या है, टर्न क्या है, कंडक्टर क्या है, कॉइल साइड, वाइंडिंग, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके अभी क्लियर हो गए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ अंडरस्टैंड हुआ है। यही सारा बेसिक जो है उससे ही हम आगे सब देखने वाले, सिंक्रोनस जनरेटर का सब कुछ हम वहाँ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आपकी तरफ आती रहेगी। थैंक यू।